मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलने के बाद उनके लिए एक बार फिर से संसद का दरवाजा खुल सकता है, ऐसा अभी तक दावा किया जा रहा है। 4 अगस्त को इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल गांधी के सदस्यता को फिर से बहाल करने की मांग की। ऐसे में अगर यदि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाती है तो चल रहे मानसून सत्र में सत्ताधारी बीजेपी के सामने राहुल फिर से अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जिसमें वो बीजेपी के रणनीतियों पर एक तरफ जहां सवाल उठाएंगे तो वहीं दूसरे तरफ आम जनता के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर संसद में राहुल गांधी आ जाते हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी सुर बदल सकता है। संसद आने से पहले ही इशारों इशारों में राहुल गांधी ने यह बता दिया कि अब उनको क्या करना है। दरअसल 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने मात्र 30 सेकेंड देश की जनता के लिए अपनी बात रखी। 30 सेकेंड में ही राहुल गांधी ने कई बड़े संदेश दे दिए। राहुल ने कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है, मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। राहुल के इस दावे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राहुल गांधी इस बार पहले से ज़्यादा संसद में आक्रामक रहेंगे? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के लिए परेशानियां खड़ी कर पाएंगे राहुल? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल क्या बोले। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। दरअसल आपको बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर बीजेपी विधायक पुर्नेश मोदी सूरत की निचली अदालत पहुंचे थे, जहां पर निचली अदालत ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के 24 घंटे बाद ही लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने प्रतिनिधि अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए नोटिस जारी कर राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां भी उनकी सजा को बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने 4 अगस्त को अपना फैसला सुनाया, जिसमें राहुल को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने राहुल को नसीहत भी दी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।